महंगाई, महंगे बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का आज धरना। लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी। जोसे जुलूसों और धरनों पर पाबंदी आयत। रेड जोन सील, डी चौक पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। मरी रोड मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। धरने के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। मुतादिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर के अमीर जियाउद्दीन के घर भी छापे। लाहौर में मंसूरा के बाहर पुलिस की नफरी तैनात। पुलिस का कहना है कि दारकूमत में दफा 144 के बायस किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं। कारकुन फस्ताई हथकंडों के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचे, जहां रुकावट हो वहीं पर धरना दे दें। एक धरने को कई धरनों में तकसीम करेंगे। जमात इस्लामी और अवाम का रास्ता रोका नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनों को पैगाम, कहते हैं हमें बिजली की कीमत में कमी, IPP से मुआहदे खत्म चाहिए, तनख्वाहदार के स्लैब को खत्म कराना है, टैक्सेस से जान छुड़ानी है, अशय खुरनोश के टैक्स खत्म कराने हैं। हुकूमत को बताएंगे कि उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। हम पुर अमन रहना चाहते हैं। अब हुकूमत पर जिम्मेदारी है कि अमन कैसे कायम करते हैं। PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एडवोकेट जनरल ने मौके पर इख्तियार किया। हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि आप आज एहतजाज ना करें, अगर आज जैसे हालात पीर को होंगे तो एहतजाज नहीं हो सकता। अदालत ने रिमार्क दिए, पीर की बात हो रही है तो तब का क्या मसला है, ऐसे हालात क्यों होंगे, आपकी हुकूमत है और आपकी ही जिम्मेदारी है। हुकूमत खुद को गैर महफूज क्यों समझ रही है, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन है, अगर आपकी बेबसी का इनको पता चला तब क्या होगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। कबल इस वक्त इंतखाबात नहीं हो रहे, ये अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असेंबलियों की मुद्दत 5 साल है, पूरी होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कबल इस वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान उन्होंने मुस्तरद किया। कहते हैं हालात वक्त से पहले इंतखाबात के नहीं, सब ठीक चल रहा है। साफी का PTI से मुतालिक सवाल, आज़म नज़ीर ने जवाब दिया कि नून लीग पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब से ही लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बनू का दौरा करेंगे। अम धरने के शुरका से खिताब करेंगे। अली अमीन गंडापुर मुतालबात पर अमल दरामद के हवाले से एतमाद मिलेंगे। मरकजी स्टेज परेटी गेट चौक में तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आला के पी जख्मी अफराद के लिए मुआवजे का ऐलान भी करेंगे। शुरका को एपेक्स कमेटी का ऐलामिया पढ़कर सुनाएंगे। मुतालबात पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह करेंगे। DGISPR ने बनू वाक्य के हकायक कौम के सामने रखे। बनू छावनी पर शर पसंदों ने हमला किया और फायरिंग की। PTI को इंतशार की सियासत से किनारा कशी करना होगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं PTI के तर्ज से सियासत को बदलना होगा, 9 मई पर माजरत करनी होगी। ये डिजिटल दहशत गर्द है, इनसे किनारा कश होना पड़ेगा। बतौर PTI मैदान में आए तो उनका मुस्तकबिल और होगा। PTI तहरीक इंसाफ पुरम नहीं रह सकती, इमरजेंसी की बातें चलती रहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, मुल्क में जमहूरियत ही रहेगी। कराची के इलाका डिफेंस में दो ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तसादुम फहद भुक्ति और अली हैदर भुक्ति ग्रुपों में हुआ। हलाक और जख्मी होने वाले आपस में रिश्तेदार है। वजीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस, एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक मकामात पर छापे, 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली। 3 गाड़ियों में सवार अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की। जाली वीडियो के जरिए अजमा बुखारी की तजलील की गई, डीप फेक वीडियो बनाई गई, प्रोपेगेंडा करने वालों का पीछा करेंगे। लीगी खातीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस शीजा फातिमा ने कहा कि अजमा बुखारी ने जाली वीडियो के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दी है। ये तमाम प्रोपेगेंडा एक मखसूस जमात की तरफ से होता है। डीप फेक वीडियो के किरदारों को बेनकाब करेंगे।
कानूनी कार्रवाई के लिए मुलव्वस अफराद को इबरत का निशान बनाएंगे। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि ये बड़े दुख और तकलीफ का वाकया है। माँ बेटी की तस्लील करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें। पंजाब में दहशतगर्दी के पेश नजर दफा 144 लगाई, जो खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां जीरन करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तला'आत अज़मा बुखारी का कहना है कि पीटीआई को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के आवाम पर खर्च होने वाला पैसा धरनों पर लगेगा। पीटीआई की भूख हड़ताल डाइट प्लान करार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक डाइट प्लान पर अमल होता है। 9 मई के मुजरिम के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। मुल्क को महंगा करने वाले के लिए 4 घंटे की ही भूख हड़ताल का मजाक किया जा सकता है। 25 करोड़ आवाम को भूख में मुब्तला करने वाले के लिए 4 घंटे ही भूखा रहा जा सकता है। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला की अदम मौजूदगी पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी की। जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हार चुकी, इंतजार फैलाने की कोशिश कर रही है। ये चाहते हैं पीटीआई और फौज में लड़ाई हो। 1 साल से जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। नईम पंजोता ने कहा कि हमारी सारी टीम मौजूद थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज वकला नहीं आया। हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रऊफ हसन की गिरफ्तारी एक झूठे मुकदमे में डाली गई और बेबुनियाद रिमांड दिया गया। फवाद चौधरी की कारकुनान की गिरफ्तारियों और छापों की मजम्मत। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया कि जहलम से पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत करता हूं। पंजाब फस्ताइयत और बर्बरियत का सामना कर रहा है। अपोजिशन को इस फस्ताइयत के खिलाफ सीसा फैलाए दीवार बनकर खड़े होना चाहिए। अब सहर होने और जुल्म का सूरज डूबने को है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में टाल मटोल कर रहे हैं। ये जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मुशीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। वक्त पर इलेक्शन न कराना, निशान छीनना, लेवल प्लेइंग फील्ड और मखसूस नशिस्तें ना देना इनकी कारस्तानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने गैर आईनी इकदाम का जवाब देना होगा। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई का राज। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.17% इजाफा। मजमूई शरह 20.09% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, बीफ, लहसुन, दालें, अंडे और दूध की कीमत बढ़ गई। प्याज, टमाटर, केले, आटा और आलू सस्ते हुए। हालिया हफ्ते 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 9 मई के मुकदमा में जिस्मानी रिमांड देने का अदालती फैसला कलदम करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलदम करार दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या ज़रूरत है? जब तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की ज़रूरत थी तो वो सोया हुआ था।